एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस और लाइटनिंग्स एंड एवरीथिंग. नो आई डोंट बर्न क्रैकर्स. ये मुझे बहुत पसंद है, दिए जलाना. मुझे बॉम्ब से बहुत डर लगता है. बॉम्ब के आगे तो मैं जाती नहीं, और उसे ऐसे ऐसे जलाती हूँ और भाग जाती हूँ दूर. दिल मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके आगे क्या बोलूँ मैं. मुझे ये लगता है कि बस अभी उम्मीद नहीं है, मतलब पुलिस ने भी बोल दिया है कि उम्मीद मत कीजिए. आंख ब्लैंक हो चुका है अब. सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है. हेलो, दिल मानने के लिए तैयार नहीं है, अब उसके आगे क्या बोलूँ मैं. कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है कि ही कांट डाई, तो ये पूरा सीन चल रहा है कि जूनियर इज कन्विंसिंग मी कि वो नहीं मरा है. और मुझे ये लगता है कि बस अभी उम्मीद नहीं है, मतलब पुलिस ने भी बोल दिया है कि उम्मीद मत कीजिए, तो ये सीन वही चल रहा है. क्या आ गया? जैसे कि अजनी को भी आपने माफ नहीं किया था, उतने में एक और खबर कि अब वो हाँ नहीं रहे, तो हाँ क्या किस तरीके से आप रहेंगे कि जिस तरीके से अजनी पे इल्जाम भी लगाया गया कि उन्होंने मारा है, अगर मतलब अजनी दिमाग ब्लैंक हो चुका है अब. सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है. तो बहुत ज्यादा ड्रामा है. तो अब होता ना कि एक चीज को कंसंट्रेट करने के बाद फिर वो एक दूसरी चीज निकल आती है कि वो चीज को आप भूल जाते हो, फिर दूसरी चीज पे आप कंटिन्यू हो जाते हो. तो अब माइंडसेट तो यही है अभी. मतलब उसे गिल्टी फील हो रहा है कि उसने इतना कुछ किया अजूनी के साथ, मतलब मेमोरी कार्ड चेंज कर दिया, वो सब कर दिया, बट स्टिल शी वॉज क्वाइट, उसने कुछ बोला नहीं. और लेट्स सी आगे क्या होता है. कि बहुत जल्दी दिवाली आने वाली है, आप किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करने वाली है उसके बारे में फ्रेंड्स जरूर जानना चाहेंगे. इट्स नॉट, मतलब हर साल तो दिवाली आती है. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस और लाइटनिंग्स एंड एवरीथिंग. सो बस अपने घर में दिए जलाऊंगी और घर की साफ सफाई. तो आई थिंक हर किसी को अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए. आई डोंट नो व्हाई दिवाली चूज करते हैं लोग साफ सफाई के लिए. तो बस यही है. नो आई डोंट बर्न क्रैकर्स, सिर्फ लाइटनिंग्स, दिए, और ये मुझे बहुत पसंद है, दिए जलाना. सो दैट्स बट इट. कोई एक मेमोरीज की बात की जाए जो बहुत यादगार हो, जैसे कि कभी बम जलाते हुए फेंक गई हो, उड़ गई हो. मुझे बॉम्ब से बहुत डर लगता है. मतलब मुझे नहीं, ऐसा तो कभी मेमोरी नहीं हुई, बट अब मुझे मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है बॉम्ब के आगे. तो मैं जाती नहीं, और उसे ऐसे ऐसे जलाती हूँ और भाग जाती हूँ दूर. मुझे नहीं अच्छे लगते बॉम्ब. बहुत ज्यादा खांसी आती है उससे, पॉल्यूशन होते हैं. और प्लस ये जो बेचारे हमारे गरीब डॉगीज हैं, कुत्ते बेचारे, पक्षी हैं बेचारे, कितने तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं. तो मेरे घर में भी है, वो भी बेचारे डर जाते हैं. तो सोचो घर में डर जाने वाले, वो रोड पे बेचारे कितने इनसिक्योर होंगे इन इन सब चीजों की वजह से. हाँ देखो, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार तो जब जब गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि मत जलाओ, उसके बावजूद भी इतनी पॉल्यूशन होता है. तो अगर हम ना चाहकर भी, पता नहीं क्यों जलाते हैं लोग, क्या उनको खुशी मिलती है, आई डोंट नो. हम मतलब वी कैन नॉट बेयर साउंड सो मच, और इतना धुआं, इतना पोल्यूशन. वो जो क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं जो नीचे जमीन पे रहते हैं बेचारे, उनका क्या, वो तो वैसे ही मर जाते होंगे. जस्ट जस्ट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, यू नो. गवर्नमेंट बोले या ना बोले, ये हमारा खुद का, हमारी खुद की ड्यूटी होती है ये, हम ये चीजें ना करें. प्लस पोल्यूशन तो होता ही है, प्लस इट्स अ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. थोड़ा बहुत करो शगुन के लिए, दैट इज फाइन. क्या कहना चाहूंगी, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट हम भी आपको बहुत करते हैं. और आप भी ऐसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए. और देखते रहिए अजूनी स्टार भारत, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली. योर नेम एंड सिमरन. माय नेम इज सिमरन खन्ना एंड यू वाचिंग वायरल टीवी. थैंक यू सो मच.